RSS के खिलाफ लड़ने से पहले समझना और जानना जरूरी है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का नेटवर्क देखकर कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, IIM, IIT, BIT, NIT और पूरी दुनिया हैरान है। आखिर क्यों? आप भी जान लीजिए। RSS का नेटवर्क राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा सभापति और 18 मुख्यमंत्री, 29 राज्यपाल, 1,00,000 शाखाएं, 15 करोड़ स्वयं सेवक, 1,00,000 सरस्वती विद्या मंदिर, 5,00,000 आचार्य, 1 करोड़ विद्यार्थी, 2 करोड़ भारतीय मजदूर संघ BMS के सदस्य, 11,00,000 भारतीय रेल मजदूर संघ BRMS के सदस्य, 1 करोड़ ABVP के कार्यकर्ता, 15 करोड़ BJP सदस्य, 1200 प्रकाशन समूह, 9,000 पूर्णकालिक, 7,00,000 पूर्व सैनिक परिषद, 1 करोड़ विश्व हिंदू परिषद सदस्य। पूरे विश्व में 30,00,000 बजरंग दल के हिंदुत्व सेवक, 1,50,000 सेवा कार्य, 18 राज्यों में सरकारें, 303 लोकसभा सांसद, 68 राज्यसभा सांसद, 1,460 विधायक, वनवासी कल्याण आश्रम, वन बंधु परिषद, संस्कार भारती, विज्ञान भारती, लघु उद्योग भारती, सेवा सहयोग, सेवा इंटरनेशनल, राष्ट्रीय सेविका समिति, आरोग्य भारती, दुर्गा वाहिनी, सामाजिक समरसता मंच, समदृष्टि, क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम, ऑर्गेनाइजर पंचजन्य, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास, दीनदयाल शोध संस्थान, भारतीय विचार साधना, संस्कृत भारती, भारत विकास परिषद, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल, दृष्टि संस्थान, हिंदू हेल्पलाइन, हिंदू स्वयं सेवक संघ, हिंदू मुनानी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, भारतीय किसान संघ, विवेकानंद केंद्र, तरुण भारत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, हिंदुस्तान समाचार, विश्व संवाद केंद्र, जन कल्याण रत्न पीढ़ी, इतिहास संकलन समिति, स्त्री शक्ति जागरण, एकल विद्यालय, धर्म जागरण, भारत भारती, सावरकर अध्यासन, शिवाजी अध्यासन, पतित पावन संघटना, हिंदू एकता और ऐसी कई अनेक संस्थाएं जो चातुर्वर्णीय हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम कर रही हैं, दिन रात लोगों के मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। RSS के पास करीब 10,00,000 प्रचारक हैं जिन्होंने अपने इस जातिवाद चातुर्वर्णीय ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया है और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनके समाज ने ली है। भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहां से RSS के लिए फंडिंग ना होती हो। विदेशों से भी अकूत पैसा मिलता है। धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं। ये कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है जो इसकी जड़ें इतनी आसानी से हिल जाएंगी। बड़े बड़े सूरमा RSS मुक्त भारत के सपने देखते देखते इस दुनिया से ही चले गए। अगर इस देश का शूद्र, अति शूद्र आज भी नहीं संभला तो आने वाले समय में सदियों तक केवल RSS राज करेगा। मनुस्मृति की चातुर्वर्णीय व्यवस्था लागू होकर रहेगी जिसमें शूद्र OBC सेवा कर्म करेंगे, अति शूद्र SC अछूत बनेगा, अवर्ण ST को जंगलों से भी बेदखल कर दिया जाएगा, मुस्लिम सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर रहेगा, जितनी उछल कूद करनी हो कर लेना लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। जब भी धर्म के खिलाफ बोलोगे देशद्रोही या धर्म का दुश्मन कहकर आपकी जुबान काट ली जाएगी, कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेल दिया जाएगा, चीखते रहना, ढोल और नगाड़ों की आवाज में आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि मुसीबत से बचने का रास्ता क्या है। आज 85% शूद्र बहुजन समाज के जागरूक लोग मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग संगठन बनाकर अभियान छेड़े हुए हैं। यदि ये सारे छोटे बड़े संगठन एक साथ खड़े होकर मनुवाद का विरोध करें तो RSS कितना भी ताकतवर क्यों ना हो उसकी हार निश्चित है। सभी बहुजन संगठनों के लोग 3 संकल्प जरूर लें कि 1. हम मूर्ति पूजन नहीं करेंगे, 2. हम जाति भेद नहीं मानेंगे, 3. हम ब्राह्मण से संस्कार नहीं कराएंगे। यदि इन कॉमन वैचारिक बातों को सभी संगठन के जिस दिन 85% लोग एक तरीके से सोचेंगे, अपने दुश्मन और दोस्तों को पहचानेंगे
उस दिन आरएसएस कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, 85% समाज की वैचारिक एकता के सामने नहीं टिक पाएगा। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट, और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।